करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन बाइट मालपुए की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। एक कॉइन के रूप में ये बनके तैयार होते हैं और इस रेसिपी को आप जरूर से बनाइए, खाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल मैदा, 1/4 बाउल सूजी या रवा, 3/4 बाउल मलाई, बस ये तीन ही चीज़ें लेंगे और इसे हम दूध से घोल लेंगे और एक अच्छा थिक बैटर हम तैयार करेंगे। सूजी और मैदे में मलाई डाल देने से मालपुआ जो होता है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिच बनता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब को हम अच्छे से फेंट लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, साथ ही साथ जो इसकी विस्कोसिटी है वो हमारे केक बैटर की तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये हमारा घोल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं चाशनी बनाने की ओर। चाशनी बनाने के लिए एक बाउल हम लेंगे चीनी और एक ही बाउल हम लेंगे पानी। अगर आपके पास गुलाब जामुन या जलेबी की चाशनी रखी है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ एक बॉयल लगाएंगे। हमने इसकी कोई तार चेक नहीं करनी है, सिर्फ चीनी और पानी को अच्छा सा उबाल दिलाना है। एक अच्छा सा उबाल आ गया है और चीनी भी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी कुछ हरे इलायची के दाने। इसे बहुत ज़्यादा हमने क्रश नहीं किया है, दाने की फॉर्म में ही लिया है। और एक अच्छा सा उबाल आने के बाद हम बनाएंगे मालपुए। चाशनी जो है वो हमारी तैयार है। आप देख रहे होंगे चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है और अच्छा उबाल भी आ गया है। तो बस अब हम इसे गैस से हटा लेंगे। मालपुए बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डोसा तवा का, आप चाहें तो फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे देसी घी, तो एक बाउल मैंने लिया है देसी घी का और इसे गरम होने देंगे। घी हमारा गरम हो गया है, छोटे छोटे हम इसमें मालपुए बनाएंगे। हम स्पून की हेल्प से छोटे छोटे मालपुए बनाएंगे। अगर आपको बड़े मालपुए पसंद हैं तो आप इसकी जगह टेबलस्पून भी ले सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। जो पैनकेक हमने पहले डाले थे उसे हम टर्न कर लेंगे। जो स्पेस हमें मिल गया है वहाँ हम और पैनकेक डाल देंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये छोटे छोटे पैनकेक जो हैं वो बनने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी और बहुत इजीली ये तैयार हो जाते हैं और जिसके आगे भी आप इसे सर्व करेंगे वो तो इसे देख के खुशी हो जाएंगे। जो जो मालपुए तैयार होते जाएंगे उसे हम चाशनी में डालते जाएंगे। इसी प्रकार से बाकी मालपुओं को भी हम टर्न करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी मालपुआ चाहिए तो आप इस तरीके से थोड़ा डार्क करेंगे और अगर आपको सॉफ्ट मालपुआ चाहिए तो थोड़ा लाइट कलर में रखेंगे। घी को निथार के हम इसे शुगर सिरप में डालेंगे और इस प्रकार से सारे ही मालपुए आपने तैयार कर लेने हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में डिप करेंगे और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उम्मीद है आज की मालपुए की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो पूरी स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।